व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। देखिए, हमारी ऑलरेडी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटी के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था पॉलिटी के क्वेश्चन, इसी तरीके से ज्योग्राफी के लेक्चर में ज्योग्राफी के क्वेश्चन, इकोनॉमी के हम लोग देख चुके हैं, और आप लोग साइंस एंड टेक के भी मैं यहाँ पर क्वेश्चन ले चुका हूँ। हिस्ट्री अब तक बचा हुआ था, अब हिस्ट्री भी मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, आप लोगों को हिस्ट्री का भी लेक्चर मिला करेगा। मतलब इवनिंग में आप लोगों को या तो क्वेश्चन का कोई भी इनमें से लेक्चर मिला करेगा किसी भी सब्जेक्ट का, या फिर शाम को आप लोगों को कोई भी करंट का टॉपिक मिला करेगा। तो ये आप लोगों को शाम को इस तरीके से लेक्चर मिला करेंगे। खासकर आप लोग अभी एग्जाम पास में आ रहे हैं तो उसके लिए काफी बेनिफिट रहेगा ये। आप लोगों को क्वेश्चन देखकर और बैकग्राउंड में जाकर टॉपिक को कवर करना चाहिए, इससे आप लोग अच्छे से लंबे समय तक याद भी रख पाएंगे। मतलब क्या करना है, पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, जितना मैं समझाता हूँ वहां पर उसको देखिए, फिर नीचे जाके उसका आंसर दीजिए, और जितने मार्क्स आप लोगों को मिले हैं वो सबसे बाद में कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और जो टॉपिक आप लोगों को लगता है अब भी कोई कमी रह गई है वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और इसके अलावा कुछ खुद से भी सर्व कीजिएगा। इस तरीके से आपको अपना एक पैटर्न बनाना चाहिए। ओके, तो आइए देखते हैं आज हिस्ट्री के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर संगम लिटरेचर के बारे में। तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि संगम ये है क्या, आप लोगों को एक्चुअली इस वर्ड का पता होना चाहिए। नॉर्मली संगम का अगर आप लोग हिंदी मीनिंग अगर देखेंगे इसका, तो संगम का मतलब होता है मिलना। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा कि संगम, आप लोगों ने गंगा जो यहाँ पर आप लोगों ने इलाहाबाद में देखा होगा, संगम बोला जाता है जहां पर तीन रिवर आकर मिलती है। इलाहाबाद में आप लोगों ने संगम पॉइंट का नाम सुना होगा। तीन रिवर कौन कौन सी होती है, गंगा, यमुना और सरस्वती। हालांकि सरस्वती आज के डेट में इनविजिबल है, पर गंगा और यमुना का तो नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। तो इस तरीके से अगर आप लोग इसका वर्ड का मीनिंग भी जानते हैं तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आसानी से ले जाएंगे, आप लोगों को दुनियादारी जानने की कोई जरूरत नहीं है। तो कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो क्या बोला गया है यहाँ पर इसके बारे में, कि जो अर्लियर तमिल में जो कंपोजिशन की जाती थी तो इसको संगम क्यों बोला जाता था। तो सबसे पहला यहाँ पर क्या बोला गया, एक एक पॉइंट आप लोग देखिए, अगर आप लोगों को पता है संगम का मतलब क्या है तो आप एक एक पॉइंट को यहाँ पर छांट देंगे आराम से। तो जो बीच के दो पॉइंट है पहले इनको देखिए, बात की जा रही है कि यहाँ पर जो ये कंपोज किया गया था, पॉइंट ने जो कंपोजन किया था, तो उनका नाम यहाँ पर क्या किया था, इनका नाम संगम रखा था, ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। क्वेश्चन ये तो पोर्शन ये गलत हो गया। सेकंड क्या बोला जाता है, संगम सिटी। तो संगम सिटी कहां से हो जाएगी, संगम तो हो गया ना, सब मिलके बैठते थे। तो यहां पर आप लोग देखते हैं जो ये लास्ट वाला पॉइंट हो गया, यहां पर बोला जा रहा है कि जो एक असेंबली हुआ करती थी, पोएट्स जो रहा करते थे उनकी एक असेंबली हुआ करती थी, जहां पर बैठ के वो ये सारी तरीके से, इस तरीके से कोई भी बात हुआ करती थी, कंपोज किया करते थे उनको, और एक तरीके से पोयम हुआ करती थी। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया ऊपर वाले में, ऊपर वाले में बोला गया कि ये एंशिएंट विजडम या फिर कंटेम्परेरी वैल्यूज होती है। तो ऐसा कुछ नहीं था एक्चुअल में, ये थी क्या आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहाँ पर जो बातें होती थी वो लव से रिलेटेड, वॉर से रिलेटेड या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, ये सारी बातें यहाँ पर की जाती थी। तो इस तरीके से भी आप लोग हल्का सा इसका माइंड में रखिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा भी क्वेश्चन बनता है संगम लिटरेचर से, ये बोला जाता है कि संगम लिटरेचर जो है एक रिलीजियस टेक्स्ट है। तो ऐसा कुछ नहीं है, रिलीजन से रिलेटेड नहीं है, प्यार से रिलेटेड है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, वार से रिलेटेड है, ये सारी बातें यहां पर की जा रही है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कि अगर इस तरीके से रिलीजन का भी यहां पर कनेक्शन बनाने की कोशिश की जाती है तो उसमें भी आप लोगों को एग्जामिनर के बकावे में नहीं आना है। तो ये एक सेक्युलर बुक आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बनता है, इसलिए मैंने आप लोगों को ये भी बताया साइड में। तो दो क्वेश्चन आप लोग समझ सकते हैं यहां पर कवर हो गए, याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं, और एरिया भी खासकर याद रख सकते हैं, ये वाला एरिया आप लोग देखते हैं आज के डेट में तमिलनाडु वाले एरिया को हम योग। ठीक है, तो यहां पर जब आप लोग हिस्ट्री पढ़ा करें ना, एक चीज जरूर याद रखा करेंगे, हिस्ट्री की पढ़ते टाइम आप लोगों को साथ में मैप जरूर रखना है। अगर किसी जगह का नाम किया जा रहा है, किसी जगह का बारे में बात की जा रही है आप लोगों के सामने, तो आप लोग मैप में देखेंगे तो उसे आराम से याद रख पाएंगे, ये जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बुद्धिस्ट से रिलेटेड। कई बार आप लोगों को बुद्धिस्ट से या फिर जैनिज्म से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, इनके बारे में आप लोगों को जरूर कवर होना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री से इन दोनों से पॉइंट से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। बोला जा रहा है अर्लियर जो विहारा हुआ करते थे वो किस लिए बनाए जाया करते थे, आप लोग पहले देख लीजिए क्या हुआ करते थे विहारा। ये इस तरीके आप लोगों को एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, या तो यहाँ पर जो पत्थर पहाड़ हुआ करते थे उनको काट के उसके अंदर रहने की जगह बनाई जाती थी। आखिर क्यों बनाई जाती थी, क्वेश्चन ये है यहाँ पर। ठीक है, जो इस तरीके स्ट्रक्चर बनाते थे वो क्यों बनाते थे, तो वो इसलिए बनाते थे कि यहाँ पर जैसे कोई, अगर कोई जैसे आप लोगों को पता है जो मॉन्क होते हैं, जो बुद्धिस्ट होते हैं, वो इधर उधर घूमते रहते हैं, ज्ञान बांटते रहते हैं, इधर उधर जाते रहते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई ड्यूरिंग, जैसे आप लोगों को मानसून मौसम आ गया, मानसून आप लोग देखते हैं हमारे यहाँ पर जून जुलाई अगस्त सितंबर और खासकर अक्टूबर में भी रिट्रेटिंग मानसून आता है। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं उस टाइम पर इनके रुकने के लिए कोई जगह हो तो उसके लिए यहाँ पर ये इस तरीके की जो स्ट्रक्चर बनाई जाती थी। ठीक है, तो शेल्टर प्रोवाइड कराने के लिए यहाँ पर ये थे। तो ये हो गया यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये पूछा गया है ये इजारादारी के बारे में, ये क्या होता है, 18th सेंचुरी में जो प्रैक्टिस किया जाता था ये होता क्या है। सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, तो वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया था। नाम पूछा जाता है, अब जानते हैं कि एक्चुअल में है क्या। ये एक ऐसा सिस्टम है, मान लीजिए गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं, आप लोगों को पता होगा कुछ यहाँ पर लैंडलेस लेबरर भी रहते हैं और कुछ जमींदार भी रहते हैं। तो इस तरीके से गांव में से कोई एक आदमी ऐसा आता था, या आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर बोली लगाई जाती थी, कि उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था
कि इस गांव का जो भी रिवेन्यू होगा वो आपको कलेक्ट करके लेके आना है और गवर्नमेंट जो है उसको यहां पर सौंपना है वो पूरा रिवेन्यू, और वो पूरा रिवेन्यू फिक्स कर दिया जाता था। मतलब 5 साल आगे आप लोगों को मान लीजिए अगर यहां पर 10 लाख रुपए देने हैं तो आगे आप लोगों को 10 लाख रुपए ही देने हैं, ठीक है। इस तरीके से फिक्स किया जाता था ये रिवेन्यू सिस्टम। पर लेकिन प्रॉब्लम क्या थी इसमें, देखिए मान लीजिए 10 लाख के लिए 10 साल के लिए, मतलब 10 लाख आप लोगों ने 5 साल के लिए फिक्स तो कर दिया, पर लेकिन ऐसा तो है नहीं कि बारिश हर टाइम बराबर रहेगी, हर टाइम जो खेती है वो अच्छी होगी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। तो इसीलिए जो एग्रीकल्चर हुआ करती थी आसपास वाले एरिया में, उसमें खासकर जो जमींदार जो कॉन्ट्रैक्ट यहां पर लेके आया करता था वो क्या किया करता था, वो उसमें इंप्रूवमेंट भी नहीं किया करता था। क्यों? क्योंकि उसको पता है 5 साल तक तेरे पास में रहने वाला है, फिर किसी और के पास भी जा सकता है ये, तो जितना मजा लूटना है यहां पर लूट लो, जितना लोगों को लूटना है उतना लूट लो। तो ना तो इससे जो लैंड है जो जमीन है ना तो उसकी वहां पर उर्वरक शक्ति होती है, ना तो उसकी अच्छी हुआ करती थी, और ना ही यहां पर जो किसान है उनकी हालत अच्छी हुआ करती थी। बस गवर्नमेंट को एक फिक्स रिवेन्यू जाया करता था और जहां कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था वो दबा के यहां से इनसे पैसे हटा करता था। तो ये कंडीशन थी, इसीलिए सिस्टम ज्यादा अच्छे से चल नहीं पाया। तो इस सिस्टम के बारे में यहां पर पूछा जा रहा है कि ये सिस्टम था क्या। तो ये है इसका ऑप्शन, ऑप्शन यहां पर देख सकते हैं, तीसरा ऑप्शन है, ऑक्शन किया जाता था यहां पर कि किसको चाहिए, कि राइट किसको चाहिए कि जो टैक्स कलेक्ट करेगा, और जो सबसे हाईएस्ट टैक्स लाकर देने की बात करता था उसी को यहां पर राइट दे दिया जाता था, ठीक है। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, जितना ज्यादा जो हाईएस्ट बोलेगा उसको यहां पर राइट दे दिया जाएगा। और कई बार ऐसा होता था उसको पता है कि इतना कलेक्शन नहीं हो पाएगा, पर फिर भी वो राइट लेने के लिए, क्योंकि उसको पता है बाद में क्या करेगा, जनता को परेशान करना और पैसा उनसे निकलवाना है, सामने वाले की जेब से तो जा नहीं रहा है। तो पूरा जितना भी हो सकता था यहां पर जो किसान हुआ करते थे उस टाइम पर बहुत बुरी हालत हो रहा करती थी, और वो रीजन यही था जो आप लोगों के सामने है, ठीक है। तो इसको थोड़ा याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार बन जाता है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर बुद्ध चरित्र से रिलेटेड, ये रिटर्न किसके द्वारा की गई थी, यही क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। तो किसके द्वारा, तो असुघोषा, पहले तो क्वेश्चन यही बनता है ये याद रखिएगा। नेक्स्ट ये है कि किसके बारे में है, क्या क्या है इसका, बुद्धा के बारे में क्या बातें यहां पर बोली गई है, ठीक है। तो देखिए आप लोगों को यहां पर कंफ्यूज पूरा करने की कोशिश की जाएगी, यहां पर बहुत मतलब ऐसे पास पास वाले पॉइंट दिए जाएंगे। जैसे आप लोग देखते हैं टीचिंग के बारे में जिक्र किया जा रहा है, ठीक है, बायोग्राफी के बारे में जिक्र किया जा रहा है, इसके आइडियाज के बारे में जिक्र किया जा रहा है यहां पर बुद्धा जी के। इसके अलावा आप लोगों को टीचिंग या फिर पैरेलल में वैदिक आइडियाज के बारे में जिक्र किया जा रहा है। तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से यहां पर पढ़ना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस हल्के में पढ़ लीजिए, अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी वगैरह में इतने पास के ऑप्शन नहीं देंगे, पर यूपीएससी में इस तरीके जरूर ऑप्शन बनाते हैं, ठीक है। तो हल्का सा आइडिया लेकर आप लोगों को चलना होगा। तो ये थी जो अर्ली लाइफ है बुद्धा की, उसके बारे में लिखा गया था। तो यहां पर बायोग्राफी थी यहां पर, ठीक है। तो ये है इसका थर्ड ऑप्शन, टीचिंग वगैरह कुछ नहीं था यहां पर, अर्ली लाइफ थी जो बुद्धा जी की उसके बारे में यहां पर जिक्र किया गया है। ये है बुद्धा चरित्रा और असुघोषा जी के द्वारा ये लिखी गई है, हल्का सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मुगल से रिलेटेड। देखिए जो मुगल हुआ करते थे यहाँ पर, आप लोगों ने सुना होगा कितने ताकतवर हुआ करते थे, महान महान राजा हुए, आप लोग अकबर भी जानते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा यहाँ पर, जब तक यहाँ पर मुगल अपनी ताकत में थे तब तक अंग्रेजों की हिम्मत नहीं पड़ी यहाँ पर एंट्री करने की हमारी कंट्री में। पर लेकिन जैसे ही दिखने लगा कि अब जो है उनकी ताकत कम होती हुई नजर आ रही है, तो आप लोगों को देखने को मिला उनकी ताकत जैसे जैसे खत्म होती चली गई, वैसे वैसे बाहर से जो व्यापारी आते थे, स्टार्टिंग में व्यापारी हुआ करते थे, पर लेकिन बाद में आते आते वो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर बन गए, जो कि आप लोग देखा हमारे ऊपर जिन्होंने रूल किया लगभग 200 सालों से भी ज्यादा तक, ठीक है। तो ये रीजन क्या था इनका डिप्लेशन होने का, मतलब किसकी वजह से जो मुगल एम्पायर था वो यहाँ पर आते आते कमजोर पड़ गया। तो ये बातें यहाँ पर बोली गई है। सबसे पहली बात बोली गई यहाँ पर कि किसकी वजह से हुआ है, कि मिलिट्री और फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज हैं डेक्कन में ड्यूरिंग औरंगजेब टेन्यूर। देखिए औरंगजेब एक तरीका आप लोग समझ सकते हैं, वो नहीं होता है हट्टी आदमी कि हाँ बस मुझे ये करना ही करना है। सदर्न इंडिया को जीतने के लिए इसने बहुत कोशिश की, हालांकि कुछ पोर्शन काफी हद तक जीता भी गया, पर लेकिन बहुत सारा फाइनेंशियल रिसोर्सेज वहां पर लगा दिया गया, बहुत सारी आर्मी वहां पर भेजी गई, वो भी काफी लोग वहां पर मारे भी गए, तो बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। ये भी बहुत बड़ा रीजन माना जाता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई, मतलब खुद तो जाते जाते यहां पर एम्पायर को बिल्कुल गड्ढे में पहुंचा गया ये बोला जाता है। और आप लोगों को पता है जब यहां पर राजा की जो हालत है वो बेकार हो जाती है, तो फिर जो आसपास वाले एरिया में छोटे छोटे जो तबके हैं वो भी अपने आप को इससे दूर करने लगते हैं, क्योंकि कनेक्ट तभी रहता है किसी इंसान के साथ में इंसान जब तक उसको लगता है कि सामने वाला ताकतवर है। तो इसी तरीके से जो मनसबदार हुआ करते थे उनकी पावर बढ़ने लगी, ठीक है, और वो भी अपने अपने एरिया को कब्जे में लेने लगे, ये भी चीजें देखने को मिलने लगी। इसके अलावा जो पीजेंट हुआ करते थे, किसान या जमींदार जो हुआ करते थे, उनके बीच में भी लड़ाई होने लगी काफी हद तक, ठीक है। तो कोई भी एक बैलेंस नहीं रहा, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई पर्टिकुलर रीजन है, ये सारे रीजन मिला के आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा कि जो मुगल एम्पायर का ये खात्मा होना स्टार्ट हुआ, उसमें क्राइसिस आना स्टार्ट हुआ, वो इन्हीं सब रीजन की वजह से था। ओके, तो आंसर हो गया यहां पर डी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। कई बार आप लोगों से फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, उनका तो आप लोगों को हल्का सा आइडिया रखना पड़ेगा। बात की जा रही है जो चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिमिज थे, मतलब जो चाइना के जो बुद्धिस्ट थे और वो हमारी कंट्री की यात्रा पर आए थे, तो ये नाम दे रखे हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने।
फायान यहाँ पर, आई क्वांग यहाँ पर, जियोंग जियांग यहाँ पर, तो ये कुछ नाम है इनके जो आप लोगों को पता होना चाहिए। इनके आप लोग डेट रख के चारों की मतलब सबकी डेट सामने लिख के हल्का सा इनके बारे में आइडिया रखिए कि कौन कौन किसके टाइम पे आया था, उनके बारे में हल्का सा पढ़ भी लीजिए कि उस टाइम पर कौन राजा हुआ करता था। इस तरीके से आप लोग इनको क्रोनोलॉजिकली आराम से लगा पाएंगे, वरना वैसे रटने बैठेंगे बहुत सारे नाम आप लोगों के सामने आएंगे, आप लोगों को रेगुलरली उसका रिविजन करना पड़ेगा, तभी आप लोग लंबे समय तक याद रख पाएंगे। और एक बार हाथों में से निकाल देंगे ना, एक बार लिख के किसी पेज पर कहीं पर चिपका देंगे सामने, चार पांच बार पढ़ेंगे और उसके किस टाइम पर कौन राजा हुआ करता था ये कुछ बातें देखेंगे, तो आप लोग लंबे समय तक इनको याद भी रख पाएंगे। ओके, तो यहां पर जो आंसर है ये है डी। ओके, आगे बढ़ते हैं। कई तरीके के वर्ड्स पूछे जाते हैं, पूछा जाएगा कि बुद्धिस्ट टाइम पीरियड में ये सेरिन्स क्या हुआ करती थी। ओके, ये एक तरीके के आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो ट्रेड हुआ करते, जो ट्रेड पर्सन हुआ करते थे उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी, और ये एक तरीके से बैंकिंग का भी काम किया करती थी। ठीक है ना, मतलब आप लोग बोल सकते हैं कि कई सारे आदमी मिलकर उन्होंने क्या किया कि हाँ एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और वहां पर हमारा जो भी कलेक्शन होता है उसको वहां पर सेव भी करते हैं हम लोग आकर। ठीक है, तो एक बैंकिंग का सिस्टम का काम भी किया करती थी, और इसके साथ में जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उनको भी यहां पर बढ़ावा दिया करती थी, मतलब उनको भी सपोर्ट किया करती थी अगर कोई भी रिलीजियस की एक्टिविटी हुआ करती थी। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा, जब बुद्धिस्ट पीरियड में खासकर बुद्धिज्म को भी कई बार सपोर्ट किया जाता था, उनको कई तरीके एक्टिविटी में फायदा पहुंचाया जाता था। मान लीजिए कोई कहीं पर जा रहा है, आने जाने के लिए जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड करानी होती थी रास्ते में, उनको खान पान में जो भी है कई तरीके की चीजें यहां पर प्रोवाइड कराई जाती थी कई बार इनके द्वारा। तो एक तरीके का बैंकिंग इंस्टीट्यूशन आप लोग बोल सकते हैं सपोर्टिंग टू रिलीजियस कोज। ओके, तो जो ट्रेड पर्सन होते थे वो इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन यहां पर बनाया करते थे। तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, जी हाँ बिल्कुल सही है, रिलीजन को सपोर्ट करती थी बिल्कुल सही है, पॉलिटिकल या फंडिंग कुछ ऐसा इंस्टीट्यूशन था ऐसा कुछ नहीं था, ये गलत है यहां पर। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया ए। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, तो इसी को पूछा गया कि किस किस मैटर से ये डील करती है, लिखी किसके द्वारा गई थी, चाणक्य जी के द्वारा लिखी गई थी। यही वो बुक है जिसकी वजह से आप लोगों को देखने को मिलेगा एक ऐसे पर्सन को राजा बनाया गया था जिसका कहीं कोई अस्तित्व नहीं हुआ करता था, नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। तो चाणक्य की ही वो सारी नीतियां थी जिसके बेस पर उनको वहां पर राजा बनाया गया। तो आखिर जो बुक इनके द्वारा लिखी गई थी इतनी शानदार बुक थी, तो इसके बारे में पूछा जा रहा है किससे रिलेटेड थी, स्टेट क्राफ्ट से तो रिलेटेड थी इसके अलावा और किस किस मैटर से रिलेटेड थी। सबसे पहला ऑप्शन बोला गया यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज के डिविजन से रिलेटेड थी, जी नहीं, ऐसा इसमें ओकेजनली कहीं कहीं पर हल्का फुल्का जिक्र दिखता है पर लेकिन लार्जली आप लोगों को ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा इसमें। यहाँ पर पूरा फोकस जो था यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि अगर किसी के साथ में लड़ाई होती है तो आप लोगों को कैसे डील करना है, मतलब श्याम दाम दंड भेद जो भी लगे यहाँ पर आप लोगों को लड़ाई जीतनी है, जो अपनी इकोनॉमी है उसको कैसे संभालना है, यहाँ पर हल्का फुल्का जिक्र होता है कि किस तरीके से रिसोर्सेज का यूज करना है हल्का फुल्का, पर लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि डिवीजन कैसे करना है रिसोर्सेज का। ठीक है, तो ये देखने को मिलेगा वार जो यहाँ पर वेलफेयर की जो भी चीजें हैं, मतलब जनता का ध्यान कैसे रखना है वो भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। एथिक्स, मतलब कोई भी यहाँ पर उल्टी सीधी हरकतें नहीं होनी चाहिए, अगर अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, अगर कोई उल्टी सीधी हरकतें करता है तो उसके लिए अच्छा खासा दंड यहाँ पर होना चाहिए। तो पूरा प्रॉपर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा एक सिस्टम तैयार किया गया था चाणक्य जी के द्वारा, जिसके बेस पर आगे चल के चंद्रगुप्त मौर्य ने अच्छे से लीड किया यहाँ पर और एक अच्छे राजा उभर कर निकले, ये आप लोगों के सामने यहाँ पर। तो चाणक्य जी के द्वारा लिखी गई इस किताब को बहुत शानदार किताब माना जाता है और बहुत बार इससे क्वेश्चन आता है, तो आइडिया आप लोगों को थोड़ा होना चाहिए। आंसर क्या हो गया यहाँ पर, सी। आइए अब आगे बढ़ते हैं, ये आप लोग थोड़ी झलक भी यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर अर्थशास्त्र। ठीक है, कई बार आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में इस तरीके से बोला जाता है कि ये इकोनॉमी की बुक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, कई सारी आप लोगों को डायमेंशन यहाँ पर देखने को मिली जो कि मैंने आप लोगों को अभी बताई है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सिल्क रूट से रिलेटेड, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है क्योंकि आज के डेट में भी आप लोग सिल्क रूट का जिक्र सुनते हैं, तो आखिर क्या था ये रूट, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, आप लोगों ने सिल्क का नाम सुना ही होगा, ठीक है ना, तो जो सिल्क यूज होता है उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इसको मानेंगे कि यहाँ पर चाइना जो हुआ करता था पुराने टाइम में ओनली एक ऐसी कंट्री था जहां पर सबसे पहले सिल्क को यहाँ पर पाया गया। ठीक है ना, सिल्क यहाँ पर पैदावार की गई, पर लेकिन लगभग 100 सालों तक इन्होंने इसको छिपा कर रखा, वर्ल्ड में किसी को नहीं बताया, पर फिर जैसे आप लोगों को पता है कोई चीजें होने लगती है तो फैलने लगती है, आराम आराम से यहाँ पर ट्रेडर हुए, एक दूसरे से ट्रेड करने लगे, चीजें निकल निकल कर आई, तो फिर इसको अलग अलग एरिया में भी फैलाया जाने लगा। तो इस तरीके से जो चाइना से निकलकर फिर ये दूसरे एरिया में पहुंचा, आप लोग देखते हैं यहां तक मेडिटेरेनियन सी तक यहां पर पहुंचाया गया, तो ये सिल्क रूट था चाइना से, मतलब जो सिल्क था यहां पर बेचा जाता था दूसरी कंट्री में ले जाके, तो उस तरीके से इसको सिल्क रूट बोला जाने लगा। आज की डेट में जो चाइना का वन रोड वन बेल्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है ये इसी सिल्क रूट का आप लोग बोल सकते हैं मैनिफेस्टेशन है, मतलब पुराने टाइम में जो सिल्क रूट हुआ करता था उसी को ये फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चाइना को ऑल ओवर वर्ल्ड कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं,
जो कि आप लोगों के सामने है यहाँ पर, बिल्कुल ऐसे ही पैटर्न बनाया जा रहा है यहाँ पर आज की डेट में चाइना का वन रोड वन बेल्ट वाला कॉन्सेप्ट, ये आप लोगों के सामने है। तो क्वेश्चन इससे बनने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पर, तो आंसर आप लोग देख सकते हैं, एक एंशियंट ट्रेड रूट था जो स्प्रेड था चाइना से लेकर मेडिट्रेनियन सी तक, तो ये है इसका आंसर यहाँ पर। क्या हो गया आंसर, डी आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में, और इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। आखिर इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों बोला जाता है, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा और हड़प्पा सिविलाइजेशन, तो दोनों ही जान लेते हैं आखिर क्या मतलब है यहाँ पर। हड़प्पा सिविलाइजेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा अंग्रेजों के टाइम पे रेलवे का ट्रैक बिछाया जा रहा था, तो उस टाइम पर उन्होंने खुदाई स्टार्ट करी, तो खुदाई में कुछ ऐसे अवशेष मिलने स्टार्ट हो गए जिनको उनको देखकर लगा कि यहाँ पर कुछ न कुछ जरूर है। तो जैसे उन्होंने और ज्यादा खुदाई स्टार्ट करी तो वहां पर अलग अलग तरीके के अवशेष मिलने लगे, ठीक है। कहीं कुदाली मिलने लगी, कहीं कई तरीके की स्ट्रक्चर मिलने लगी घरों की, तो अलग अलग तरीके के कई सारी वहां पर स्ट्रक्चर मिलने लगी, जिसके बेस पर वहां पर माना गया कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो जरूर है। और जब आगे उसको खोदना स्टार्ट किया उन्होंने, तो पूरी एक सिविलाइजेशन निकलकर वहां से आई। स्टार्टिंग में इसको क्या बोला जाता था, स्टार्टिंग में इसको हड़प्पा बोला जाता था। क्यों? क्योंकि फर्स्ट सिटी जो थी वो हड़प्पा थी जहां पर इसकी खोज हुई, ठीक है ना। तो इस नाम से तो इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन बोला जाता था। पर लेकिन आगे चल के जब ये, पहले तो ये माना जाता था कि हड़प्पा हड़प्पा वाले एरिया में, पर लेकिन जैसे जैसे ये बढ़नी स्टार्ट हो गई तो ये देखने को मिला कि जो इंडिया और पाकिस्तान का आप लोगों को एरिया देखने को मिलेगा उसके काफी बड़े एरिया में ये आ गई। और खासकर आप लोगों को जो बड़ा बड़ा मोटा मोटा नजर आएगा यहाँ पर, ये जो इंडस रिवर है आज की डेट में, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एग्रीमेंट भी है जिसको लेकर इंडस वाटर ट्रीटी बोला जाता है जिसको, तो यहाँ पर आसपास में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये जो है इसके आसपास एक बसी हुई पूरी सिविलाइजेशन थी। तो इसके नाम पर इसको आगे चल के इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला जाने लगा। तो हड़प्पा क्यों नाम पड़ा, क्योंकि फर्स्ट वहां पर जहां पर फर्स्ट टाइम खुदाई हुई थी वो हड़प्पा था। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों नाम पड़ा, क्योंकि फिर ये लगने लगा कि हड़प्पा बोलना कोई जायज बात नहीं है, क्योंकि अब जो है बहुत सारे एरिया में इसकी जो है अलग अलग एरिया में इसकी जो अलग अलग एरिया में इसके रिलेटेड अवशेष पाए जाने लगे। तो इसलिए देखा गया कि इसको एक अलग ही नाम दिया गया फिर, इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोगों के सामने नजर आया, इतना शानदार तरीके से इनके पास में टेक्नोलॉजी हुआ करती थी, आज तक भी हम लोग उनको छू नहीं पाए हैं कई सारे एरिया में, आप लोगों को इतना देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रॉपर वे में ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था वहां पर, नाली जिसके तरीके से आज देखते ना आप लोग कि पानी आता है तो पूरा बाढ़ वगैरह आ जाती है आसपास की सिटीज में, आप लोगों को देखने को मिलेगा इस तरीके का कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। बहुत शानदार तरीके से ये लोग रहा करते थे, प्रॉपर प्लानिंग के तरीके से। थोड़ा थोड़ा अलग अगर आप लोगों को झलक देखनी है तो आज की डेट की जो चंडीगढ़ सिटी है हल्का सा इसका झलक आप लोग वहां पर देख सकते हैं। तो पूरा प्रॉपर इसी तरीके से यहाँ पर हुआ करता था। तो ये है, इसके बारे में आप लोगों को हल्का सा आइडिया होना चाहिए कि क्यों नाम पड़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन और क्यों नाम पड़ा हड़प्पा। तो आंसर हो गया यहां पर डी। ओके, देखिए अगर इंटरेस्ट लेकर पढ़ेंगे ना तो कभी भी आप लोगों को हिस्ट्री ना बोरिंग लगने वाली है ही नहीं। थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाइए, चीजों को जानने की इच्छा रखिए, फिर देखिए हिस्ट्री कितनी शानदार आप लोगों को लगने लगेगी, ठीक है। तो मैप वगैरह देखिए, कुछ चीजें उसके बारे में जानने की कोशिश करिए, अपने अंदर क्यूरियोसिटी रखिए, फिर आप लोग इसको अच्छे से इंटरटेन कर पाएंगे, हिस्ट्री को आप लोग इंजॉय कर पाएंगे। ओके, तो इस तरीके से आप लोगों को थोड़ा करके चलना है। लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद तो डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक क्योंकि कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, यहाँ पर ऑल इंडिया रेडियो राज्यसभा की न्यूज कई सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाती है। आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, और पॉलिथीन या प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। और अगर आप लोग कुछ चीजें ढंग से याद रखना चाहते हैं तो जब भी टाइम मिले किसी को पढ़ा दीजिए, इससे सामने वाला का फायदा होगा और आप लोगों का रिविजन भी हो जाएगा। तो आम के आम और गुटलियों के दाम। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।